friends, my name is Rajiv. Today I got one more courier from South Korea VFS. Candidate name Alpana, as you can see that. So अभी हम खोल के देखेंगे इसका वीजा आया है या नहीं आया है. अल्पना नाम है कैंडिडेट का. कैंडिडेट का आप देख सकते हैं अल्पना नहीं है. पासपोर्ट इसका चंडीगढ़ से इशू रखा है हरियाणा से. तो हम इसका वीज़ा देखेंगे अभी. ये आप देख सकते हैं इसका साउथ कोरिया का वीज़ा आ चुका है. तो मैं कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगा अल्पना को. और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसने भी हमारे साथ ट्रैवल करा था 4 कंट्रीज, कम्बोडिया में, वियतनाम में बैंकॉक और मलेशिया. तो हमने इसको भी टूर करवाया था 4 कंट्रीज़ का. और आप देख सकते हैं इसका वीज़ा आ चुका है. तो अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग साउथ कोरिया के लिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. और अगर आपको जॉब के लिए कोई हेल्प चाहिए तो हम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे. तो मैं इसको कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगा. और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को कॉल करिए. थैंक यू. दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आपने अभी अभी देखा है एक वीज़ा अनबॉक्सिंग होने का. मतलब हम लोग जो बोले थे पहले हम लोगों को 5 वीज़ा मिला है. अभी तक हम लोग 2 वीज़ा ये अनबॉक्सिंग कर लिया है और भी बाकी 3 वीज़ा आप लोगों को दिखाएंगे. तो दोस्तों मैंने पहले भी बोला था ये आपको वीज़ा बहुत आसानी से मिल सकता है. हम लोग जो आपको जैसे आपको गाइड करेंगे अगर वो आप लोग मान के चलते हो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट बिजनेस रजिस्ट्रेशन GST वगैरह जो जो हम लोग बोलेंगे अगर आप लोग सही सलामत वो अगर वो एडवाइस लेते हो तो आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा. वीज़ा मिलने का कोई टेंशन नहीं है. अगर आपको वीज़ा मिल गया तो बाकी का आगे जो काम है साउथ कोरिया में वो सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. पूरा पैकेज हम लोगों का सिस्टम में है. ये जो आप देख रहे हैं मिसाल पुना का वीज़ा लगा है ये हमारे साथ बैंकॉक मलेशिया वियतनाम कम्बोडिया ये 4 कंट्री ट्रैवल किया था. उसके बाद इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट सारा कुछ रेडी हुआ फिर वीज़ा अप्लाई हुआ और वीज़ा भी आ गया. तो दोस्तों आप लोगों को भी वीज़ा ज़रूर मिलेगा. आप लोग जो अभी तक जो जिन्होंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है वो ज़रूर ट्रैवल कर लो. पहले ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करो उसके बाद अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है बिज़नेस प्रोफाइल हो या जॉब प्रोफाइल हो जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स भी सारा कुछ रेडी करो फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा. वैसे किसी को ब्लैंक पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं मिलेगा. अगर कोई चाहते हैं कि उसको वीज़ा वैसे पासपोर्ट और फोटो से वीज़ा लग जाएगा कॉन्सुलेट से या एम्बसी से तो बिल्कुल वो नहीं लगेगा. ठीक है अगर वो लग गया तो वो एक मिरेकल ही होगा और ये मिरेकल तो वीज़ा में नहीं होता है. तो दोस्तों पहले अपना प्रोफाइल रेडी करो और आपका सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करो ट्रैवल हिस्ट्री करो तो वीज़ा आपको ज़रूर लगेगा और आपका जो ड्रीम है वो ज़रूर पूरा होगा. और दोस्तों आज के लिए ये वीडियो इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ दिखाएंगे और कुछ आपको सरप्राइज़ भी देंगे कुछ गिफ्ट भी है आप लोगों के लिए सारा कुछ शेयर करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. बाय बाय. थैंक यू.